क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो विद इनिशियल वेलोसिटी वी नोट 4i कैप + 4j कैप एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 10i कैप + 4j कैप। द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड कितनी होगी ये बताना है। तो देखो जनरली स्पीड का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू यू प्लस एटी। अब मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों करा है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन भी और टाइम भी है, तो इसको यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो v वेक्टर इक्वल टू u इनिशियल कितना है 4i कैप + 4j कैप, एक्सेलेशन है हमारे पास 10i कैप + 4j कैप और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी कि टाइम। तो ये हो जाएगा 4i कैप + 4j कैप + 10 × 2 20i कैप + 4 × 2 8j कैप। अब जो i कैप है उनको ऐड कर लीजिए, तो 4 और 20 यानी कि 24 आई कैप प्लस 4 और 8 12 j कैप, तो ये वेलोसिटी आ गया। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है सभी ऑप्शन में, तो हम क्या निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, वो होगा उसका जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके, 24 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 24 के स्क्वायर में हम 12 ऐड कर रहे हैं, मतलब जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो 24 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, 24 से ज़्यादा आएगा। तो गिवन ऑप्शन में आप ये देख लो कि 24 से ज़्यादा कौन से में, ऑप्शन डी में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 26.8। वैसे करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब 24 का स्क्वायर 576 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये आ जाएगा √720 और 720 की वैल्यू आती है 26.8। वैसे तो इसमें टाइम वेस्ट हुआ है, तो आप डायरेक्टली कंसेप्चुअली भी सोच सकते हैं कि 24 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, तो वो ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा।